नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। हरियाणा में नहीं आए गोमांस खाने वाले। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ये कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया है कि जो लोग गोमांस खाए बिना नहीं रह सकते उन्हें हरियाणा में आने की जरूरत नहीं, जहां कड़ा गोरक्षण कानून लागू है। विज ने कहा कि कई देश ऐसे हैं जहां भारतीय इसलिए नहीं जाते क्योंकि उस देश की खान पान की आदत उन्हें नहीं भाती। इसी तरह जो लोग बिना गोमांस खाए नहीं रह सकते उन्हें हरियाणा नहीं आना चाहिए। विज से पूछा गया था कि क्या राज्य सरकार ने विदेशियों को राज्य में गोमांस सेवन के लिए लाइसेंस विशेष अनुमति जारी करने का विचार किया है। सैंडर्स ने क्लिंटन को हराया, ट्रंप जीते। न्यू हैम्पशायर में आयोजित प्राइमरी चुनाव में बर्नी सैंडर्स ने हिलेरी क्लिंटन को हरा दिया और वॉशिंगटन के सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ मौजूदा गुस्से को भुनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भी दो उम्मीदवारों को हराकर पहली जीत हासिल कर ली है। ये दोनों ही नतीजे कुछ समय पहले तक अप्रत्याशित लगते थे। खुद को लोकतांत्रिक समाजवादी बताने वाले सैंडर्स ने उस पूर्व विदेश मंत्री और पूर्व प्रथम महिला को हराया है जिसका डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनना एक समय लगभग तय माना जा रहा था। डेमोक्रेटिक उम्मीदवारी की राष्ट्रीय दौड़ में हिलेरी अब भी पसंदीदा दावेदार बनी हुई है, लेकिन वर्मोंट के सीनेटर की जीत प्राइमरी के प्रतिस्पर्धी अभियान की दिशा बदल सकती है। जर्मनी में ट्रेनों की टक्कर, 10 की मौत। जर्मनी में हालिया समय में सबसे भीषण रेल दुर्घटना में देश के दक्षिणी हिस्से में दो यात्री ट्रेनों के बीच आमने सामने की टक्कर में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और करीब दर्जनों लोग घायल हो गए। इस टक्कर में कई कोच पलट गए। ये रेल दुर्घटना म्यूनिक से करीब 60 किलोमीटर दक्षिण पूर्व एक दूर दराज के क्षेत्र में हुई, जहां एक ओर जंगल और दूसरी ओर नदी है। कुछ घायलों को क्षतिग्रस्त ट्रेन के कोच को काटकर बाहर निकाला गया और नदी पार कराकर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। मृतकों में दो ट्रेन ड्राइवर और दो कंडक्टर भी है। जर्मन चांसलर मर्केल ने घटना पर दुख जताया है।